हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे शलगम की सब्जी। एक ऐसी सब्जी जो कई लोग पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन ये सब्जी जो है ये नॉन वेज को भी मात करती है। इतनी अच्छी बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी है। और अगर आप नहीं खाते हैं तो एक बार शलगम लाके और इस रेसिपी को बना करके देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी, ये मेरा दावा है। सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन आप रंग देख सकते हैं और आप सीधे बता सकते हैं कि यह सब्जी कितनी अच्छी बनी है, कितनी माउथ वाटरिंग है और कितनी डिलीशियस है। तो चलिए देखते हैं रेसिपी को। यह हमने लिया है आधा किलो शलगम। आप देख रहे हैं ये शलगम कितना गंदा है। चूंकि ज़्यादा शलगम नहीं मिल रहे थे बाज़ार में, तो यही गंदा सा शलगम मिला है मुझे, तो इसे लेकर के आई हूँ। इस गंदगी को सबसे पहले हमें हटाना है, तो इसे हमें सबसे पहले छील लेना है। धोने के पहले हम इसे छील लेंगे। यहाँ शलगम मुश्किल से मिलता है, हाट हो तो वहाँ तो मिल जाता है, लेकिन जो नॉर्मल सब्जियों की दुकानें होती हैं उनमें बहुत मुश्किल से शलगम दिखाई देता है। तो आज मिल रहा था तो मैं ले आई। अब इन तीनों को हमने छील लिया है। अगला काम हमें करना है इसके डंडल को और इसके जड़ को अलग कर लेना। तो डंडल को काट के अलग कर देंगे और ये जड़ वाले पोर्शन को भी अलग कर देंगे, और ये आलू की तरह शलगम बच गया। तीनों शलगम के साथ हम यही करेंगे। और अब इसे हम धो करके साफ करके सामने ले आ रहे हैं। इसके हमें बीच से दो टुकड़े करने हैं, और उसके बाद आप देखिए इस तरह से टुकड़े बनाने हैं, इसके क्यूब्स काटने हैं, जैसे हम आलू के टुकड़े काटते हैं सब्जी बनाने के लिए, उसी तरह से इसके भी टुकड़े काट लेने हैं। तो ये हमारा शलगम कट चुका है। चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं। तो हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों तेल। इसे गर्म होने देंगे, उसके बाद इसमें वो शलगम डाल करके और इसे हमें हल्का गुलाबी तल लेना है। तलने की प्रक्रिया में ये थोड़ा सा पक भी जाएगा, यानी कि गल भी जाएगा, तो इसे हमें हल्का गुलाबी तलना है। मध्यम आंच पे तले, तेज आंच पे ना तले, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएगा। देखिए ये तल चुका है जैसा हम चाहते थे, बिल्कुल हल्का गुलाबी इसे तलना है, तो वैसा हो चुका है। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। अब हम इसी तेल में डालेंगे 2 तेज पत्ते, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची, 3-4 काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और आधा चम्मच मेथी। इसे हल्का सा भून लेंगे, बस चला लेंगे। और उसके बाद इसमें डालेंगे 1 बड़ी प्याज बारीक कटी हुई। अब इस प्याज को हमें हल्का सुनहरा होने तक भूनना है। जब प्याज सुनहरा हो जाए तो हम इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे भी चला लेंगे और भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी, 2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर। इसे अब चला लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमने जो मसाले डाले हैं वो सूखे मसाले हैं, तो उन्हें अच्छी तरह से भूनने के लिए पानी डाल के हम इसे भूनेंगे। इसे 3-4 मिनट तक इसी तरह से भून लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच किचन किंग मसाला और इसे फिर से भूनेंगे। अब इसे तब तक भूनना है जब तक कि ये तेल ना छोड़ने लग जाए और ये भून करके अच्छा लाल ना हो जाए, मसाले जो है वो कच्चे थे वो उसका कच्चापन ना खत्म हो जाए, तब तक इसे हमें भून लेना है।
आप देखिए ये तेल छोड़ने लग गया है और अच्छी तरह से भुन भी गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर का पेस्ट। इसके लिए हमने 2 मध्यम आकार के टमाटर को सिंपल मिक्सी में पीस लिया है। इसे भी थोड़ा सा चला लेंगे। मिक्सी में अभी भी थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट रह गया है तो थोड़ा पानी डाल करके और उसे भी हमें इसमें मिला लेना है। अब फिर से इस मसाले को हमें भूनना है। तब तक भूनना है जब तक कि टमाटर का कच्चापन ना चला जाए और ये फिर से तेल ना छोड़ने लग जाए। भूनने की पूरी प्रक्रिया मध्यम आंच पे करेंगे हम। अब इसमें हम थोड़ा नमक डाल लेंगे स्वाद के हिसाब से। और बस इसे भूनते जाना है। अभी अब हम इसमें तले हुए शलगम को डाल देंगे और शलगम के साथ फिर से इस मसाले को भूनेंगे। आप देखिए मसाले का रंग कितना अच्छा आ गया है, बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा है मसाला। देखिए शलगम के साथ भुन चुका है और चारों तरफ से तेल जो है ये छोड़ने लग गया है। तो ये हो चुका है, हमें इसमें पानी डाल देना है क्योंकि शलगम अभी पूरी तरह से पका नहीं है, गला नहीं है। शलगम को गलने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसा आलू गलता है वैसे ही शलगम भी गलता है। तो पानी डाल करके हमें इसे पकाना है, लेकिन उसके पहले हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला यानी कि 1/2 चम्मच और साथ साथ हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथ से मसल करके। इससे सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। इन सभी चीज़ों को हम मिला देंगे और जो आखिरी चीज़ हमें डालनी है वो है बारीक कटा हरा धनिया, इसे भी मिला लेंगे। अब हमें इसे ढक करके तब तक पकाना है जब तक कि शलगम गल ना जाए। तो इसे मिला करके और हमें इसे ढक देना है और इसे धीमी आंच पे पकने देना है। पकने का कोई समय निश्चित नहीं है, तब तक पकाइए जब तक शलगम पक ना जाए। देखिए अब ढक्कन खोल के देखते हैं हम। जैसा कि आप देख सकते हैं रंग कितना प्यारा आया है और मुझे तो इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बहुत ही डिलीशियस लग रही है यह सब्जी। आप देखिए कितनी प्यारी लग रही है और किसी भी नॉन वेज को मात करने वाली सब्जी है ये। सब फेल है इसके आगे। देखिए शलगम भी गल चुका है। तो बस अब एक ही चीज़ बाकी रह गई है, वो है इसे सर्व करना। तो हम तेजपत्ते को पहले निकाल देते हैं। ये पहला तेजपत्ता और ये रहा दूसरा तेजपत्ता। और हम हीट को ऑफ कर देंगे या तो आप गैस को बंद कर दीजिए। और बस आप देखिए सब्जी का रंग देख लीजिए आप, है ना टेम्पटिंग, माउथ वाटरिंग लग रहा है ना। अगर आपने शलगम कभी नहीं खाया है तो इस तरह से बना करके खा करके देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये सब्जी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, बनाने के बाद अच्छी बने तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा और साथ साथ अपनी फीडबैक भी डालिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।